Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unipec. In this video lecture we will discuss chapter number 10 of class 4th, David and Goliath. तो इसमें क्या है, वार्मिंग अप में डेविड वॉज अ ब्रेव लिटल बॉय हु लिव्ड इन इज़राइल. वंस ही वेंट टू मीट हिज ब्रदर्स हु वर इन द आर्मी. देयर ही मेट गोलियाथ हु वॉज अ ह्यूज जायंट. ही फॉट विद द जायंट एंड किल्ड हिम. लेट्स रीड द स्टोरी. तो एक बहुत ही बहादुर छोटा सा बच्चा, वो इज़राइल का है, उसका नाम क्या है, डेविड. तो एक बार वो कहाँ गया, अपने ब्रदर्स को मीट करने मिलने गया जो कि आर्मी में थे. ठीक है, देयर वो वहाँ पर कहाँ पर किससे मिला डेविड, एक गोलियाथ से मिला जो कि बहुत, गोलियाथ एक जायंट का नाम है जो कि बहुत ही बड़ा जायंट है. तो वहाँ पर वो एक जायंट से लड़ा और उसको मारा. तो इस स्टोरी में देखते हैं उसने वो कैसे वो लड़ा उस जायंट से. तो इस स्टोरी में क्या है, डेविड अ यंग बॉय लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एट अ स्मॉल विलेज इन इज़राइल. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द फोर सन्स ऑफ हिज पेरेंट्स. ही हैड थ्री एल्डर ब्रदर, ऑल ऑफ देम सर्व्ड इन द किंग्स आर्मी. तो डेविड एक बहुत ही जवान बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से विलेज में, गांव में रहता है इज़राइल के. ठीक है, और ये बहुत ही यंग है अपने बाकी जो उसके पेरेंट्स के जो चार सन हैं अपने, ये सबसे यंग है. इसके तीन एल्डर ब्रदर हैं जो कि क्या करते हैं, एक आर्मी में क्या करते हैं, किंग की आर्मी में सेवा करते हैं. ठीक है, डेविड वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू बी अ सोल्जर एंड फाइट फॉर हिज कंट्री. और डेविड जो भी है वो भी सोल्जर बनने में इंटरेस्टेड है और वो कंट्री के लिए लड़ना चाहता है. बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शीप. तो उस, लेकिन उसके फादर ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो घर में रहें और उनके क्या करेंगे, शीप का देखभाल करें. ठीक है, शीप जो भी हैं उनके घरों में तो उसकी देखभाल करें. एवरी मॉर्निंग डेविड वो टेक हिज their sheep on the hills for grazing. हर मॉर्निंग, हर सुबह जो डेविड क्या करता है, शिप को हिल में ले जाता है, ऊंचाई में ले जाता है उनको ग्रेजिंग करने के लिए, चारने के लिए. While the sheep were on graze, he would search for flat round stone along the river bank. जब शिप जो ग्रेज कर रही होती हैं तो वो किसके सर्च में चला जाता है, एक फ्लैट राउंड स्टोन्स को. वो बैंक, रिवर बैंक मीन्स रिवर के किनारे ऐसे से पत्थरों को ढूंढता है जो काफ़ी चपटे हों. ठीक है, और वो अपने बैग में डाल देता है. देयर वर मैनी वुल्व्स इन द फॉरेस्ट नियर बाय. वेन एवर अ हंग्री वुल्फ केम टू किल द शिप, डेविड वुड टेक आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग. तो वहाँ पे फॉरेस्ट में काफ़ी सारे जो हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि तो वुल्फ्स भी होते हैं फॉरेस्ट में. तो जो हंग्री वुल्फ जो होते हैं, भूखे जो वुल्फ जो आते हैं उनकी शिप को मारने के लिए, तो डेविड स्टोन अपने बैग से निकालता है और अपनी स्लिंग में डालता है. स्लिंग क्या होता है, गुलेल होती है, उसे स्लिंग कहते हैं. ही रेल्ड द स्लिंग अबव द हेड. अब वो थोड़ा सा घुमाता है स्लिंग को, अपने हेड से थोड़ा ऊपर रखता है. एंड स्टोन फ्लू थ्रू द एयर एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आइज एंड किल्ड. तो वो क्या होता है, स्टोन से जोर से अपना पत्थर उछालता है और एयर में उछालता है. और देन वो जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं, बड़े बड़े जानवर मींस वुल्फ्स जो होते हैं, उनकी आइज के बीच में जाके उस पर बजता है स्टोन, उसको मार देता है. देन ही ऑलवेज रैन टू इट एंड कट ऑफ इट्स हेड. तो वो क्या करता है कि फटाफट उसके, जब वो बेहोश हो जाता है तो उसका फटाफट वो उसकी तरफ भागता है और उसका हेड कट देता है और उसकी स्किन जो होता है वो अपने घर ले जाता है. ठीक है, वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम गिविंग हिम अ बैग ऑफ फ्लोर एंड सम लेटर्स. ही सेड द फिलिस्टीन्स आर ग्रेटेस्ट एनिमी, दे आर मार्चिंग इन टू इज़राइल. गो टू द टाउन एंड मीट योर ब्रदर इन द किंग्स आर्मी, गिव देम दीज लेटर्स एंड द बैग ऑफ फ्लोर. तो एक दिन उसके फादर उसे बोल बुलाते हैं और बोलते हैं, उनको क्या देते हैं, बैग देते हैं आटे का और कुछ लेटर्स देते हैं और बोलते हैं फिलिस्टीन्स जो हैं वो हमारे एनिमीज़ हैं, हमारे दुश्मन हैं, और जो वो क्या करते हैं, मार्च कर रहे हैं, मीन्स स्प्रेड सी कर रहे हैं इज़राइल में आर. ठीक है, तो वो कहते हैं वो टाउन में जाओ और ये जो लेटर्स हैं किंग्स की आर्मी में जो तुम्हारे ब्रदर हैं उनको दो, और ये लेटर उनको दो. और वो उसको लेटर देता है और मीन्स जो
डेविड के फादर उसको लेटर देते हैं और बैग देते हैं फ्लोर का, मीन्स आटे का। डेविड टुक द फ्लोर एंड द लेटर, ही केप्ट हिज स्लिंग इन हिज पॉकेट एंड लेफ्ट फॉर द टाउन। डेविड क्या करता है, वो फ्लोर चखता है और लेटर्स भी उठाता है और क्या करता है, स्लिंग जो है अपनी जो गुलेल है उसको भी पॉकेट में रख के टाउन की तरफ निकल चलता है। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज ही रीच देयर। ठीक है, काफ़ी समय तक वो क्या करता है, वॉक करता करता वो उस जगह पहुंच जाता है। ही मेट हिज ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी, वो अपने ब्रदर्स से किंग की आर्मी में मिलता है। एंड गेव दैम द थिंग्स हिज फादर हैड सेंड फॉर दैम, और वो चीज़ें दे देता है जो कि उसके फादर ने उसे देने के लिए कही होती है। गोलाइथ वॉज अ ह्यूज फिलिस्टीन जाइंट, वो फिलिस्टीन एनिमी था। ठीक है, गोलाइथ तो ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप एंड रोरिंग लाउडली, तो वो उनके क्या कहाँ पे खड़ा था, कैंप के फ्रंट में खड़े हुए जोर जोर से घुरा रहा था, बोल रहा आई एम गोलाइथ, ही इज सेइंग आई एम द माइटेस्ट ऑफ ऑल, कहते मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं गोलाइथ हूँ। मीन्स वो ऐसे से जोर जोर के बोल रहा होता है गोलाइथ, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ द इज़राइल एंड इट्स पीपल, कहते मैं इसराइल का सारा लैंड जो है डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उनके लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई किल देम ऑल, कहते सबसे जो बेस्ट सोल्जर है उनको लाया जाए और मैं उनको मार दूंगा। सेंड योर ब्रेवेस्ट सोल्जर टू फाइट विद मी एंड आई किल देम टू, और सबसे बहादुर सोल्जर को मेरे सामने लाया जाए जिससे मैं लड़ूँगा और मैं उससे जीत जाऊँ और उसे मार दूँ। The soldier of the king's army were in the great panic because of the giant. जो सोल्जर थे जो किंग्स आर्मी के थे वो काफ़ी घबरा गए क्योंकि इतना बड़ा जाइंट था, वो बहुत डर गए। When the David heard it, जब डेविड ने सुना, he ran to his brother, वो ब्रदर के पास गया, I want to go and fight the giant, कहते और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। उसने गोलाई डेविड ने बोला मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उससे लड़ना चाहता हूँ। एट दिस हिज ब्रदर लाफ्ड एट हिम, तो इस बात पे उसको बहुत हंसी आती है उनके ब्रदर्स को कि ये छोटा सा क्या उनने मारेगा। ठीक है, यू आर स्टिल अ बॉय दे सेड, उन्होंने कहा तुम अभी भी बच्चे हो। उन्होंने कहा गो बैक होम एंड टुक आफ्टर आर फादर्स शीप, कहते हमारे जो फादर की शीप हैं उनका ध्यान रखो, घर जाओ। ठीक है, द किंग ऑफ इसराइल हैड अनाउंस्ड दैट एनीबडी हु वुड किल गोलाइथ विल मैरी हिज डॉटर, आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन द इसराइल, ही सेड। तो किंग जो थे इसराइल के, उन्होंने अनाउंस किया जो भी इस गोलाइथ को मारेगा मैं उसकी जो उसकी किंग की डॉटर है उसकी मैरिज कर दूंगा उसके साथ और उससे सोने जवाहरात दूंगा और सबसे ज़्यादा अमीर आदमी उसको क्या वो बन जाएगा इसराइल का, किंग ने कहा। व्हेन डेविड हर्ड द किंग्स अनाउंसमेंट ही वेंट टू हिम, ठीक है, जब डेविड ने किंग की अनाउंसमेंट सुनी तो वो उनके पास चला गया। कैन आई गो एंड फाइट द जायंट, ही आस्क्ड, उसने किंग से, मीन्स जो डेविड है उसने किंग से परमिशन मांगी क्या मैं जाऊँ और इस जायंट से लड़ूँ। द किंग वॉज मच सरप्राइज बिकॉज डेविड वॉज स्टिल वेरी यंग एंड इवन द मोस्ट करेजियस मैन ऑफ द इसराइल वॉज नॉट रेडी टू गो एंड फाइट द जायंट। ठीक है, तो किंग बहुत सरप्राइज हो गया, ही वॉज इन एस्टॉनिशमेंट एंड वो सोच रहा था कि डेविड एक यंग सा बच्चा, वो इतना साहस जो है वो कह रहा है एक छोटा सा बच्चा कि मैं लड़ूंगा जाके, जबकि उनकी जो इसराइल की आर्मी के जो काफ़ी बहादुर जो मैन है वो भी आगे नहीं आ रहे थे उस जायंट से लड़ने के लिए। हाउएवर द किंग हैड नो अदर चॉइस, लेकिन किंग के पास कोई चारा नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि बाकी तो लड़ने आ नहीं रहे थे, तो उनको रक्षा भी तो करनी है अपनी लैंड की। ठीक है, सो ठीक है अपने पैलेस वगैरह अपने राज्य की। सो ही अलाउड डेविड टू गो एंड फाइट गोलाइथ, तो उन्होंने अलाउ कर दिया डेविड को कि लड़ो जाके गोलाइथ से। ही गेव हिज ओन स्वॉर्ड टू डेविड एंड सेड, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड दी डेविड को और कहा टेक दिस स्वॉर्ड एंड फाइट विद द जायंट, कहते इस स्वॉर्ड को ले जाओ तलवार को ले जाओ और उससे लड़ो। आई प्रे टू ऑलमाइटी फॉर योर विक्ट्री, कहते मैं भगवान से तुम्हारी विजय की मीन्स प्रार्थना करूंगा, जीत की प्रार्थना करूंगा। बट द डेविड डिड नॉट टेक द स्वॉर्ड, आई एम अ शेफर्ड बॉय, तो डेविड ने क्या कहा कि मैं स्वॉर्ड नहीं लूंगा, मैं शेफर्ड बॉय हूँ, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ अ स्वॉर्ड, कहते लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं स्वॉर्ड कैसे यूज़ करूँ, तलवार कैसे यूज़ करूँ। वट शैल आई डू विद इट, कहते मैं इससे क्या करूँगा, वो राजा से पूछता है। ठीक है, आई हैव मैन माई ओन वेपन एंड आई शेल फाइट विद इट, कहते मेरे पास अपना हथियार है मैं उससे ही लड़ूंगा। और उसने बड़े प्यार से रिप्लाई किया, ठीक है, ऐसे नहीं कि रूड वे में बोल रहा था वो। देन ही टुक हिज बैग फुल ऑफ राउंड स्मूथ स्टोन एंड हिज स्लिंग एंड वेंट टू फाइट गोलाइथ, तो उसने अपने बैग में जो भरा जो भी स्टोन्स थे राउंड से स्टोन से स्मूथ से उसको उससे निकाला और स्लिंग में डाला और उससे लड़ने के लिए निकल गया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं।
उसके बाद क्या है, व्हेन द जायंट सॉ दैट लिटिल बॉय वाज कमिंग टू फाइट विद हिम ही वाज बिम्यूज्ड. तो वो क्या कर सोचता है कि जब एक जायंट देखता है कि एक छोटा सा बच्चा मेरे से लड़ने आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो देखने देख के थोड़ा हैरान रह जाता है और हंसने लग जाता है. यू लिटिल बॉय व्हाई यू हैव कम हेयर, कहते तुम इधर क्यों आए हो, आरंट यू अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरते, गो बैक एंड हाइड इन योर हाउस ही मॉक. तो वो हंसने लगा होता है कि घर जाओ और अब वापस जाओ और अपने घर में जाके छिप जाओ. तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, मॉक करने लग जाता है. बट द डेविड वॉज फेयरलेस, वो क्या था, निडर था, ठीक है, वो डरता नहीं था, वो बोल्ड था, डेस्परेट था. ही बोल्डली चैलेंज द जायंट एंड सेड आई हैव कम हेयर टू किल यू, फाइट विद मी एंड किल मी इफ़ यू कैन. ठीक है, तो डेविड बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने आया हूँ पूरे बहादुर होके. कहते मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ. ठीक है, तो वो ऐसे चैलेंज करता है. द जायंट बिकम एंग्री, तो वो एंग्री हो जाता है, ठीक है, गुस्सा हो जाता है. हिज आइज बिकम रेड इन एंगर, तो गुस्से के मारे उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं. द ग्राउंड शोक एज ही वॉक टूवर्ड्स डेविड, जैसे ही वो उसकी तरफ आता है, क्योंकि वो जाइंट है, तो ग्राउंड जो है वो श्रिंक, जैसे कि क्या हो जाता है, जब वो पैर रखता है तो वो नीचे धस जाती है ज़मीन. ठीक है, सो द इज़राइल हैज़ सेंड अ बॉय टू लिट टू फाइट विद मी. तो गोलाइत बोलता है क्या, तो राजा ने, जो इज़राइल है, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजा है. आई कट ऑफ योर हेड एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, ही क्राइड आउट इन एंगर. तो गुस्से से वो बोलता है, मैं तुम्हारा सिर काट के एक वाइल्ड बीस्ट को दे दूंगा, मीन्स वुल्फ्स को दे दूंगा. ठीक है, ऐसे से, ठीक है. बट डेविड वॉज नो कोवर्ड, ठीक है, वो लेकिन कायर नहीं था. ही रिमेंबर गॉड एंड देन सेड, आई मे बी अ बॉय बट इवन अ लिटिल बॉय ऑफ इसराइल इज़ ब्रेवर देन यू. कहते मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा ही ज़्यादा बहादुर है, ठीक है, तुमसे. ठीक है, आई एल कट ऑफ योर हेड एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, कहते मैं तुम्हारा सिर काट के वाइल्ड बीस्ट को दे दूंगा. ठीक है, तो व्हेन गोलायत हर्ड दीज वर्ड्स, ही टुक आउट हिज ह्यूज स्वॉर्ड एंड रैन टुवर्ड्स डेविड. ठीक है, उसने, गोलायत ने जब ये सुना, और वो क्या करता, अपनी स्वॉर्ड उठाई गोलायत ने और डेविड की तरफ निकल पड़ा. ठीक है, डेविड टुक आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, उसने स्टोन निकाले अपने बैग एंड पुट इट इन द स्लिंग, और स्लिंग में डाले. ही विल्स द स्लिंग, रेल्ड द स्लिंग अबव हिज हेड एंड स्टोन, ठीक है, फ्लू थ्रू द एयर. ठीक है, उसने जो स्लिंग है वो ऐसे अपनी चक्की सिर से थोड़ा ऊपर रखी, जैसे वो रखते हैं, ठीक है, और जैसे स्लिंग देखी है तुमने पिक्चर में, तो वैसे उसने चक्की, और वो कहाँ पे ले गए, उसकी एयर में उसने थ्रो करा वो स्टोन. इट हिट्स गोलाइथ्स बिटवीन हिज आइज, सो गोलाइथ की आंखों के बीच में जाके वो स्टोन बजा एंड ही फेल डाउन विद अ लाउड क्राई. तो वो उसको दर्द हुआ और वो नीचे गिर पड़ा, चिल्लाने लगा. ठीक है, डेविड रैन फॉरवर्ड एंड स्नैच द स्वॉर्ड फ्रॉम हिज हैंड, डेविड फटाफट गया और उसके हाथों से स्वॉर्ड छीन ली, स्नैच कर ली. ठीक है, तो देन ही कट ऑफ द जाइंट्स हेड विद द बिग स्वॉर्ड एंड कैरिड इट विद हिम. तो उसने क्या किया, एक जाइंट के जो हेड से जो क्या हुआ, कट कर दिया उसका हेड उस स्वॉर्ड से, ठीक है, और उसके साथ अपने साथ ले गया. व्हेन द पेलिस्टियन सॉ द जाइंट इज डेड, जो पेलिस्टियन ने देखा, मीन्स जो एनिमीज थे, कि उनका जाइंट मर गया है, दे वर सो पैनिक्ड दैट दे रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. तो वो इतने घबरा गए कि वो बैटल फील्ड जहाँ पर लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ से वो भाग गए. व्हेन द किंग ऑफ इसराइल हर्ड द न्यूज़ ही वॉज वेरी ग्लैड, जब किंग जो थे इसराइल के, उन्होंने इस न्यूज़ को सुना तो वो बहुत ही खुश हुए. डेविड वेंट टू द रॉयल कोर्ट, वो रॉयल कोर्ट में गए एंड बोर्ड बिफोर द किंग, वो किंग के आगे झुके. देन ही टुक आउट द जाइंट्स हेड आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट एट द किंग्स फीट. तो वो डेविड ने क्या किया, अपनी बैग से जाइंट का हेड निकाला और किंग के मीन्स पैरों में रख दिया. द किंग वॉज सो हैप्पी दैट ही एम्ब्रेस्ड डेविड एंड मेड हिम सिट बिसाइड हिम. ठीक है, तो किंग जो हुआ बहुत खुश हुआ, उसे एम्ब्रेस मीन्स गला लगा दिया किंग ने डेविड को खुशी से, एंड वो अपने साथ बिठाया. द पीपल ऑफ इसराइल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज डेविड हैड सेव्ड देम फ्रॉम गोलायत. जो पीपल थे, लोग थे इसराइल के, वो भी बहुत खुश हुए क्योंकि डेविड ने गोलायत से उनको बचाया था, एक ह्यूज जाइंट से बचाया था. द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना प्रॉमिस रखा. ही मैरिड हिज डॉटर मैरिड हिज डॉटर टू डेविड एंड गेव देम हाफ ऑफ हिज किंगडम. तो किंग ने जैसे प्रॉमिस किया था, वो उसकी डॉटर की शादी उससे करवाएगा जो उससे बचाएगा. ठीक है,
तो गोलियत से उसने बचाया था, तो उसको आधा किंगडम भी दे दिया गया, ठीक है। डेविड को ही ऑल्सो गेव हिम प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेल्स, उसने किंग ने जो था डेविड को काफ़ी सारा गोल्ड और सिल्वर ज्वेल्स दिए, ठीक है। द डेविड लिव्ड हैप्पीली विद हिज वाइफ, तो अपने वाइफ के साथ खुशी खुशी रहा एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम फॉर मैनी ईयर्स, और काफ़ी सालों तक उसने वहाँ पर राज किया। तो ट्रेजर वर्ड्स देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोनंसिएशन। स्लिंग क्या होता है? स्ट्रैप यूज फॉर थ्रोइंग स्मॉल स्टोन और पैबल्स, छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने वाला एक हम कह सकते हैं टूल कह सकते हैं या गेम्स जो भी है। व्हील्ड मतलब क्या होता है? स्वंग अराउंड एंड राउंड, जैसे गोल गोल घुमाने को बोलते हैं, ठीक है। लाफ्ड एट मींस मेड फन ऑफ, अनाउंस्ड मतलब डिक्लेयर्ड सम इंफॉर्मेशन, करेजियस मींस बहुत ही ब्रेव बहादुर, बिम्यूज्ड मींस कंफ्यूज्ड, जो वो कंफ्यूज हो गया था ना इतना छोटे बच्चे को भेजा था गोलाइथ, ठीक है। बीस्ट क्या होता है? वाइल्ड एनिमल होते हैं। क्वाड इंस्टिंक्ट जो कायर होते हैं। बैटल फील्ड अ प्लेस वेयर बैटल्स आर फॉट, जहाँ पे लड़ाई लड़ी जाती है। बोर्ड मीन्स सल्यूटेड, स्टूपिंग लो थोड़ा नीचे झुक के सल्यूट करना उसको बोलते हैं, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। तो ये चैप्टर, आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ओके।